हेलो दोस्तों, मैं राकेश, आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से नए कणों पे। दोस्तों जैसा कि आपने ऊपर टाइटल और थंबनेल पे देखा, यहाँ पर आपने बिल्कुल ही सही देखा। जस्ट अभी भी यहाँ पर जो है वोडाफोन आइडिया वी की ओर से एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो वो खबर क्या है उसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखना है, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को नया बेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है वोडाफोन आइडिया वी की ओर से, वो यहाँ पर निकल कर आ रही है सेल्फ केवाईसी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपने बिल्कुल ही सही सुना, वोडाफोन आइडिया वी ने यहाँ पर सेल्फ केवाईसी को चालू कर दिया है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर ग्राहक जो है वो खुद से यहाँ पर अपना सिम कार्ड को चालू कर पाएंगे। यहाँ पर अभी तक जो हो रहा था कि यहाँ पर ग्राहक जब यहाँ पर सिम कार्ड चालू करना चाह रहे थे यहाँ पर अपना अपने नाम से, तो यहाँ पर जो है उनको जाना होता था यहाँ पर वोडाफोन आइडिया वी का रिटेल शॉप पे, और यहाँ पर जाकर उनको जो है अपना केवाईसी करवाना होता था। अगर वो नया सिम यहाँ पर लेना चाहते थे या यहाँ पर अपना नंबर को MNP पोर्ट करवाना चाहते थे तो उनको वहाँ पर जाकर जो है अपना केवाईसी करवाना होता था, फिर यहाँ पर जो है वो सिम कार्ड खरीद पाते थे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, वो खुद से अपना जो है सेल्फ केवाईसी को यहाँ पर कर पाएंगे और यहाँ पर अपना सिम कार्ड को खुद से चालू कर पाएंगे। उसके लिए यहाँ पर आपको जो है VI का वेबसाइट पे जाना है, VI.com पे। और जैसे ही आप जाओगे VI.com पे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गेट स्टार्ट सिम का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप गेट स्टार्ट सिम के ऑप्शन पे जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पर आपका सेल्फ KYC का प्रोसेस यहाँ पर आपको जो है चालू हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक्टिवेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको कुछ प्रोसेस करना होगा। प्रोसेस जो करना होगा, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप जैसे इस पर टैप करोगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो होगा, पहला यहाँ पर आपको नया सिम का और दूसरा यहाँ पर आपको MNP पोर्ट का। और यहाँ पर आपको जो है प्रीपेड और पोस्टपेड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप प्रीपेड अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्रीपेड को सिलेक्ट करना, अगर आप यहाँ पे पोस्टपेड करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे पोस्टपेड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है कि अगर आप यहाँ पे नया सिम चालू करना चाहते हो तो नया सिम को सिलेक्ट करोगे, अगर आप यहाँ पे MNP पोर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे MNP पोर्ट को सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना टैरिफ प्लान को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना यहाँ पर प्लान को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, जो डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आप अपना सेल्फ KYC करना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दोगे। जैसे यहाँ पर आप आधार कार्ड अगर आप अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको अल्टरनेट नंबर मांगा जाएगा तो अल्टरनेट नंबर डालना है, उस पर OTP जाएगा तो वो OTP को आप यहाँ पे फिल कर दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे लाइव फोटो मांगा जाएगा तो आप अपना लाइव फोटो वहाँ पर दोगे, और यहाँ पर आपको जो है 10 सेकंड का एक वीडियो क्लिप भी मांगेगा तो यहाँ पर आपको 10 सेकंड का फेस वीडियो क्लिप भी यहाँ पर आपको देना है। जैसे ही ये सारा कुछ कर दोगे तो यहाँ पर आपका जो है सेल्फ KYC यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो है सिम एक्टिवेट के लिए यहाँ पर आपका प्रोसेस चला जाएगा। फिर यहाँ पर आपको जो है 1 से लेकर 2 दिनों के बाद यहाँ पर आपको जो है डिलीवरी बॉय आपके घर पे आएगा और यहाँ पर आपको जो है सिम को डिलीवर करके चला जाएगा। यहाँ पर जो है डिलीवरी बॉय में कोई भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर VI का कोई एजेंट हो सकता है या यहाँ पर जो है पोस्टमास्टर के द्वारा भी यहाँ पर जो है आपका सिम कार्ड डिलीवर किया जा सकता है। कोई भी डिलीवर बॉय के द्वारा यहाँ पर जो है आपका सिम कार्ड आपके घर तक डिलीवरी किया जा सकता है। तो यहाँ पर यही कुछ यहाँ पर जो है अपडेट निकल कर आ रहा था। VI ने अपना जो है 2 शहर के अंदर यहाँ पर जो है चालू किया है, अभी सभी शहर के अंदर ये चालू नहीं किया गया है। तो जो 2 शहर यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से हैं, पहले नंबर पे यहाँ पर कोलकाता और दूसरे नंबर पे यहाँ पर कर्नाटका। तो यहाँ पर ये 2 शहर है जिसके अंदर यहाँ पर जो है वोडाफोन आइडिया वी ने अपना सेल्फ KYC को चालू कर दिया है। तो अगर आप ये 2 जगह से रहने वाले हो तो आप यहाँ पे जो है अपना सेल्फ KYC की मदद से यहाँ पर वोडाफोन आइडिया वी का यहाँ पर जो है सिम कार्ड को चालू कर पाओगे खुद से यहाँ पर जो है खुद का सिम कार्ड को। तो इसी को लेकर ये अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा था। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और जय हिंद।